हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका आपका अपने चैनल क्रिप्टो मैचली में। दोस्तों, बात करें बिगुल टोकन की। दोस्तों, बिगुल टोकन का जो रेट चल रहा है, अगर आप चेक करते हो इंडो एक्सचेंज के ऊपर, तो यहाँ पे जो लाइव रेट चल रहा है दोस्तों, 0.016 सेंट चल रहा है। अगर आप इस रेट को इंडो रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, तो अभी के टाइम में जो रेट बैठता है, 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये के बीच में रेट बैठता है। और दोस्तों, यहाँ पे बात करें 24 आवर के वॉल्यूम की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। अगर आप कल से चेक करते हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो बिगुल के जो डिपॉजिट हैं, यहाँ पे चालू हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे हर 1 मिली सेकेंड में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। यहाँ पर चेक करो आप, अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बुक चेक करते हो ना, तो यहाँ पर देखो हर 1 मिली सेकेंड में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ हो रही हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर हमारे को क्या रेट मिलने वाला है। तो मैं दोस्तों, मेरा जो प्रडिक्शन बोलता है, आपको वही रेट मिलने वाला दोस्तों जो इंडो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इंडो एक्सचेंज के ऊपर ही हो रहा है। यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप एक बार कॉइन मार्केट कैप के ऊपर विजिट करते हो, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो जो बिगुल का जो 24 आवर के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज वो है इंटू एक्सचेंज का है। अभी के टाइम में जो बिगुल है, 4-5 एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। ये देखो आप, अभी यहाँ पे ला टोकन का नाम नहीं है, पैनकेक स्वैप के ऊपर भी है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे आप, तो यहाँ पर 3 एक्सचेंज का ही नाम है। उसमें से जो बिटमार्ट है, आगे डेस्टेड है आपकी, और उसके बाद इंडो एक्सचेंज है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो इंडो एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, 94%, ये देखो आप। और अगर आप यहाँ पे बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर अगर आप रेट चेक करते हो, तो अभी के टाइम में जो रेट चल रहा है यहाँ पे, 32 सेंट के आसपास चल रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे जो बिगुल के जो डिपॉजिट है यहाँ पे चालू होते हैं, तो यहाँ पे भी जो रेट है बुरी तरह से यहाँ पे गिरने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक हैं और लोग अपने टोकन को यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा सो आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप यहाँ पर लॉस में हो, तो लॉस में अपने टोकन को आप सेल मत करो, क्योंकि लॉस में सेल करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाकी दोस्तों, कोई भी अपडेट रहेगा बिगुल के ऊपर, तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।